आप हमारे साथ देख रहे हैं फ्यूजन बी। तो आज हम दिखाएंगे टीवीएस एंटोक G6P का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे करा जाए। तो भाई मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा। और भाई वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोल दूं भाई, तुम लोग वीडियो को देख के चले जाते हो, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब? भाई का चैनल है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे समझाऊंगा कि छोटे से छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा और आप लोग देखते रहिए। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है वो लोग कर दीजिए वीडियो को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहले करेंगे हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप TVS कॉन्टैक्ट ऐप पे जाओगे तो इधर आपको TVS कॉन्टैक्ट का ऐप दिखेगा। यही ऐप आपको डाउनलोड करके इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले कर लेंगे हम ओपन। जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं कर लिया वो लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो हम इसको स्किप करेंगे और साइन अप कर देंगे इसके ऊपर। तो इधर हमें क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। तो फुल नेम इधर हम डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर भी हम इधर डाल देंगे, और इधर आपको लगेगा ईमेल आईडी। तो आप अपना ईमेल आईडी डाल देना, और सिटी आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम लिख देना। तो भाई ऐसा कुछ बात नहीं है, जिसके नाम पे स्कूटी है उसका नाम नंबर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जस्ट आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो। तो आपको सिटी लिख लेना पड़ेगा। तो पहले आप देख लो, तो मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मैंने आप कोलकाता इधर दिया है। और इधर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको लगाना पड़ेगा। तो OTP हमारा आ रहा है, देखो OTP आ गया हमारा। तो OTP हो गया हमारा। तो इधर हमें चैसी नंबर देना पड़ेगा। देखो भाई आप लोगों का रोड टैक्स जो होता है ना, रोड टैक्स में चैसी नंबर दिया होता है, तो हमने पहले ही चैसी नंबर नोट कर लिया था। तो अब इसमें हम अपना चैसी नंबर डाल देंगे। तो मैं इसको थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ। तो इधर हमने अपना चैसी नंबर डाल दिया। अब इस पर करना पड़ेगा वेरीफाई। तो कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। तो इधर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नंबर है, और एंटर बाइक निक नेम। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। निक नेम हम निको डाल देते हैं। तो सेव एंड प्रोसेस पे लगा देते हैं। तो इसको हमें पहले करना पड़ेगा अलाउ, जो जो लोग करना चाहते हैं पहले फ़ोन से। देखो भाई मैं पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, पूरा क्लियर से आपको बताऊँगा, क्लियर कट कैसे करते हैं वो भी पूरा बता दूँगा। तो ये सबका परमिशन मांगेंगे, वो परमिशन आपको देना पड़ेगा। एंड ये लिखा हुआ है ऐड योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। मतलब क्या है? मतलब है कि आप इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर अटैच कर सकते हो। जब आपका स्कूटी एक्सीडेंट हो जाएगा, बाई एनी चांस आपका स्कूटी कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को ये खुद ब खुद ही मैसेज करेगा, खुद ब खुद ही फ़ोन कर देगा। तो ये अभी नहीं करते, तो हम बैक कर लेते हैं। तो हमारा निको इधर सेट हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं कनेक्ट। तो आपको पहले इधर आना पड़ ये देखो, ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। इधर दिखा दो भाई, ये देखो। ओ भाई साहब क्या आ रहा है, लेट्स राइट। तो इधर पूरा बिना बैटरी फंक्शन दिखा दिया, ये माइक्रोफोन परमिशन भी दिखा रहा है, और इधर बैटरी सर्विस भी दिखा रहा है व्हाइल यूजिंग द ऐप। ऐसे कर लेते हैं। तो ये अभी स्ट्रीट मोड पर है, इधर भाई को दिखा दो थोड़ा। ट्राई शो सेइंग माई लोकेशन, बाद में करते हैं। इधर आप देख रहे हो, इधर आपको स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर थोड़ा दिखा दो भाई लोगों को, इधर स्ट्रीट का ऑप्शन मिल जाता है और इधर रेस मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इधर से ही मोड चेंज कर सकते हो। ये रहा रेस मोड, ट्राई टू व्हाइल राइडिंग। तो पहले आई थिंक स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, ट्राई व्हाइल राइडिंग। देखो भाई ये 50-60 बार काटने के बाद ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ये। तो पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं अब होता है कि नहीं है। अब हो गया रेस मोड भाई, ये दिखा रहा है, ये देखो रेस मोड हो गया, देख पा रहे हो आप? इधर आपको दिखा दो भाई, इधर देख लिखा रहा है, देखो रेस मोड भाई। तो पहले आपको स्टार्ट ऑन करना पड़ेगा, फिर आप इसमें रेस मोड या स्ट्रीट मोड कंट्रोल कर सकते हो। जो लोग भाई दिखा रहे हैं कि भाई विदाउट स्टार्ट ही ऑन हो जाएंगे, वो लोग पूरा गलत है भाई। तो इसमें अभी नेविगेशन वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। तो इसमें वॉइस असिस्ट दिया हुआ है, तो पहले वॉइस असिस्ट को क्लिक कर लेते हैं। तो नेविगेशन, सॉरी डिडंट कैच। देखो भाई ये ऐसा ही होता है, इधर भी रिट्राई रिट्राई करके दिखा रहा है आपको। तो मैं फिर से बोलता हूँ,
शो माई लोकेशन। हाँ अब लिया, ये देखो इधर दिखा रहा है मैं जिस लोकेशन पे, उधर दिखा दो भाई को, ये संगमपुर इधर लिखा हुआ है, मैं जिस लोकेशन पे हूँ उस लोकेशन पे ये दिखा रहा है। कुछ कुछ काम भी करता है भाई, काम एकदम से नहीं करता, ये कोई बात नहीं है। और अब आ जाते हैं इसके सेटिंग पे, तो सेटिंग पे हमें देखने को मिल जाता है वॉइस फीडबैक, वॉइस असिस्ट जो मैंने आपको दिखाया नेविगेशन वगैरह ऑन करके। तो इधर ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो भाई ये डिस्प्ले और फ़ोन पे ज़्यादा से फोकस कर भाई, मैं एक कम कर रहा हूँ ब्राइटनेस पूरा कम कर रहा हूँ भाई। इस ब्राइटनेस का पूरा कम का असर इसमें नहीं पड़ता भाई, एकदम नॉर्मल ही है भाई, कोई काम का नहीं है ये ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो मैं फुल कर दिया, मैं लो कर दिया, कोई काम का नहीं है। और ये हाई स्पीड अलर्ट है, मतलब अब यह 60 से 80 तक क्रॉस करोगे तो इधर आप और इधर आपको अलर्ट दे दिया जाएगा कि आपने 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर लिया। और इधर ऑटो रिप्लाई आ रहा है, ऑटोमेटिक SMS टू इनकमिंग कॉल्स एंड वाइल डू नॉट डिस्टर्ब, जब आप स्कूटी चला रहे हो तो ये उन लोगों को मैसेज कर देगा डू नॉट डिस्टर्ब कह के। और ये डू नॉट डिस्टर्ब का मोड वही है इसका। और ये ब्लूटूथ मैनुअल कलेक्शन है, ये आप खुद ब खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते हो, पर मेरा राय है भाई आप ऑटोमेटिक ही इसे रहने दो। और जनरल एड्रेस, तो अब इधर अपना 5 एड्रेस इधर सेव कर सकते हो, इधर आप देख देख के जा सकते हो नेविगेशन वगैरह के साथ। तो इसमें वही रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, वही व्हीकल का निक नेम दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो भाई जो लोग बोलते हैं वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये गलत है भाई, फिर से आप लोगों के सामने एक बार ट्राई करते हैं कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं। स्टार्ट माय स्कूटी, डिडंट कैच। इधर बहुत बहुत कुछ दिखा रहा है, नियरेस्ट पेट्रोल पंप दिखा रहा है, एक्टिव रेस मोड, एक्टिव स्ट्रीट मोड, ब्राइटनेस इंक्रीज, ये आप वॉइस इंसिस्ट, ये जो चीज़ आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये वॉइस असिस्ट आप कर सकते हो। शो मी मिस्ड कॉल, शो मी लास्ट कॉल, शो मी टॉप स्पीड, इधर आप टॉप स्पीड भी देख सकते हो, देखते हैं हमारा टॉप स्पीड कितना था लास्ट में। तो कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है, कुछ काम का ज़्यादा काम का नहीं है भाई ये ऐप। एंड इनेबल डू नॉट डिस्टर्ब, शो राइट टाइम, इंक्रीज वॉल्यूम, इनेबल हाई स्पीड अलर्ट जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, और ये चेंज मोड। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, तो इसमें बोलते हैं नियरेस्ट पेट्रोल पंप, हाँ ये ले लिया नियरेस्ट पेट्रोल पंप भाई। कुछ कुछ चीज़ें लेता है, सब कुछ चीज़ें नहीं लेता है। जो लोग बोलते हैं गाना प्ले करो, बचपन का प्यार प्ले करो, ओके ओके, ये हमारा नेविगेशन ऑन हो गया। तो इधर दिखा रहा है बहुत भाई स्लो है, मतलब इधर लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर राइट लेना पड़ेगा, फिर हमें पेट्रोल पंप इधर मिल जाएगा भाई। तो 1.32 किलोमीटर इधर आपको दिखा रहा है, और इधर आपको स्पीड भी शो होगा भाई, ये गूगल से असिस्ट हुआ है पूरा। एंड यही सब वगैरह इसमें होता है, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है भाई। जो लोग बोलते हैं बहुत कुछ होता है, गाना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो भाई ये ऐप ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, थोड़ा काम का है, मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तभी इसका मोड चेंज कर सकते हो। और देखो भाई आप यहीं पे नए हो तो ये वॉइस असिस्ट आपको एक ही काम पे लगेगा कि भाई नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ है हमारा, और एक काम पे लगेगा कि भाई आपका स्कूटी जब एक्सीडेंट हो जाएगा आपका घर वालों के पास मैसेज या फ़ोन चला जाएगा, यही सबसे बड़ी बात है। और इसमें कुछ ज़्यादा खासियत नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, यही RPM का शो हो जाएगा, ये देखो। तो कुछ बे भाई मैं अभी गया था पूरा, भाई तुझे लगा नहीं ना, तो कुछ ऐसा दिखा रहा है भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं था ये स्कूटी है भाई। तो कुछ ऐसा RPM आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी इधर हम एंड राइट करेंगे, डू यू वांट एंड राइट, यस यस, ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया अभी। और ये दिखा रहा है मेरा निको। तो इधर आप देख सकते हो टोटल राइड आपने कितना किया है, किलोमीटर पर डिस्टेंस कितना जगह हो, लास्ट टॉप स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर है, वो सब आप देख सकते हो। ये व्हीकल ओवर व्यू है, इसमें आप सब कुछ देख सकते हो, माई राइड किधर से किधर आप लोकेशन सेट करके रखे हो, ये सब कुछ देख सकते हो। लास्ट सर्विस कितने टाइम पे आपको हुआ है, लास्ट पार्क किधर के किस लोकेशन पे लास्ट पार्क किया हुआ था अपना स्कूटी, ये सब कुछ आप देख सकते हो इस ऐप पे। एंड इधर सेटिंग वगैरह, हाउ टू वीडियोस, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा काम का नहीं है। कुछ कुछ चीज़ के लिए एडवांटेज
स्टेज है जो कि आपका नियर बाई लोकेशन पेट्रोल पंप, एक हो गया मोड चेंज हो गया, और एक हो गया ये सर्विस रिकॉर्ड वगैरह लास्ट पार्ट किधर किया हुआ है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, जस्ट नाम का ही ब्लूटूथ दिया हुआ है, कुछ काम का नहीं है ये ज़्यादा भाई। सो गाइज, हमने ऑनेस्टली दिखाया कैसे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किया जाए, और स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाया भाई। बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो करने में, हम बहुत दूर आते हैं वीडियो करने के लिए, तो तुम लोग भाई वीडियो देख के चले जाते हो भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मुझे नहीं पता, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा भाई का ही चैनल है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड लाइक दिस वीडियो गाइज, तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।